खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर के, जहां पर सिंचाई मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलट और जिला अधिकारी ने रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। वहीं राज्य मंत्री और जिला अधिकारी ने पूरे विधि विधान से पिराई सत्र का शुभारंभ करके चीनी मिल के गन्ना लाने वाले दो किसानों को सोल भेंट किए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ऑपरेशन क्लीन जारी है। दिन निकलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ पुलिस और डंपर सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं बदमाशों ने पुलिस पर किए कई राउंड फायर। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मोनू को गोली लगी है। खबरों में बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां पर सितारगंज शहर को बड़े खूबसूरत झालरों से सजाया गया। साथ ही पूरे शहर के मुख्य सड़कों पर जुलूस निकालकर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की। जहां शहर के साथ साथ गांव में ईद उल मिलादुल नबी बड़े ही धूमधाम से जुलूस के साथ निकाला गया। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया गया। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए आज की शब में, यानी आज की रात में हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत का ये आज की तारीख है। इसलिए तमाम आलम दुनिया में और जो नबी के आशिक हैं, शैदाई हैं, मतवाले हैं, वो हुजूर ताजर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जुलूस निकालते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जिस तरीक़े पर आज नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाल रहे हैं, अगर कभी भी हमारे देश पर कोई बात आएगी, इसी तरीके पर मुसलमान मिलकर अपने देश के लिए भी जुलूस निकालेगा। जिस तरह से मुसलमान अपने नबी पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, इसी तरीके पर मुसलमान अपने देश के ऊपर भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी ने अमन सुकून का पैगाम दिया है, अमन शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मुसलमान अमन ना अमन पसंद नहीं है, बल्कि अमन पसंद है। और जो भी यानी कानून है हमारे देश का, भारत का जो भी संविधान है, हम उसको सलाम करते हैं, हमेशा हमने माना है और सुबह क़यामत तक उसको मानेंगे। पैदा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि अपने जुनून, अपने आपस की जितनी भी हमारे पड़ोस में मस्जिदें बनी हुई हैं, हमें उन्हें सुनी नहीं करना है। पांचों वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करनी है और हमें ये दिखाना है कि हम लोग किसी भी फैसले से टूटे नहीं हैं, बल्कि हम उस फैसले को हमने एक्सेप्ट किया है और हमें जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को हम पूरी तरीके से भर देंगे और हम पाँचों वक्त की नमाज अदा करेंगे। हमारे दोनों आलमगीर पाल को मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मुबारक में हर साल जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ किया जाता है और बड़े ही खुशी के साथ और हम लोगों के भाईचारे के साथ इस निकाला गया है। और इन शाला आज हमारे प्यारे मोहम्मद खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के, जहां पर तहसील डुमरियागंज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से जुलूस निकाल कर मनाया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के मुसलमानों ने जुलूस में शामिल होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वहीं जुलूस के निगरानी के ड्रोन कैमरे से पुलिस के विभाग द्वारा कार्रवाई का जुलूस खत्म होने तक मुल्क के अमन चैन की दुआ भी की गई। यूपी के जहांगीराबाद नगर में हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी मौके पर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इसमें दर्जनों मुसलमानों ने घोड़ों पर सवार हाथों में तस्वीर लेकर चल रहे थे। वहीं लोग नबी की शान में नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलाम है हुजूर के गुलाम है आदि नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। मनाया जाता है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुबारक आज के दिन हुई थी और इस दिन जिब्रील अमीन 70,000 मलाइका के साथ में
शक्ल में झंडे लेके आए थे, खुशी की सभा करते हुए हम ये जुलूस निकालते। कहाँ तक चलेगा जुलूस जी? ये जुलूस मोहल्ला अंसारियान से शुरू होगा, पूरे जहांगीराबाद में खर्च करता हुआ और फिर वापस मोहल्ला अंसारियान में खत्म हुआ।